तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप फॉर सपोज थर्ड पार्टी पे कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो एंड इसके बाद उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, एंड सेकेंड चीज़ क्या थर्ड पार्टी से जब आप ऑन रोल पे होते हो तब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, एंड दी थर्ड केस की क्या जब आप थर्ड पार्टी पे ज्वाइन करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी ओरिजिनल कंपनी को भेजे जाते हैं कि नहीं, जो आपकी ऑन रोल कंपनी होती है बेसिकली जहाँ पे आप काम कर रहे होते हो वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं कि नहीं, उसी के बारे में आज हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, ये हमने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोज में डिस्कस किया है कि अगर आप थर्ड पार्टी पे भी कोई कंपनी ज्वाइन करते हो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहाँ भी होता है। एंड यहाँ पे एक दूसरा केस जो बनता है कि अगर आप थर्ड पार्टी पे वर्किंग हो और वहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है, मींस अराउंड कुछ 18 मंथ्स का होता है कई कंपनीज में, किसी कंपनीज में 2 ईयर्स का होता है, किसी कंपनीज में 4 ईयर्स का होता है, या मैक्सिमम आपका 5 ईयर्स हो सकता है किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी पे काम करने के लिए या उस कंपनी से ऑन रोड जाने के लिए। तो ये हो गई टाइम पीरियड की बात। अभी हम बात करते हैं कि आप जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है क्या थर्ड पार्टी से ऑन रोल में मूव होने के लिए भी होता है। तो जी हाँ, आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है बेसिकली जब आप थर्ड पार्टी से कंपनी के ऑन रोल पे मूव होते हो तब भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहाँ पे किया जाता है। इनिशियल से जैसे आपकी थर्ड पार्टी कंपनी ने किया होगा वैसे ही आपकी ऑन रोल कंपनी भी करती है वहाँ पे। थर्ड केस के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी की कंपनी में वर्किंग हो एंड आप उसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपकी थर्ड पार्टी कंपनी लेती लेती है, क्या वो कंपनी आपके कंपनी को भी शेयर करे जाते हैं? तो जी हाँ, आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपकी थर्ड पार्टी कंपनी से वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी ऑन रोल कंपनी में सारे शेयर करे जाते हैं। आपकी पूरी डिटेल होती है ऑन रोल कंपनी के पास में, और अगर इन केस फ्यूचर में कभी आप स्विच होते हो तो उन डॉक्यूमेंट्स को वो रेफर भी कर सकते हैं या उन डॉक्यूमेंट्स को वो देख भी सकते हैं, एंड तब तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो होता ही है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी ऑन रोल कंपनी को भी भेजे जाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने थर्ड पार्टी में सबमिट किए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन या डाउट है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर, वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप करके मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो, एंड अदर किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मुझे ओवर कॉल भी डिस्कस कर सकते हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।